हमारा मुल्क का फिर हमारे नाम का चैलेंज है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आओ हमारे साथ बैठो, फिर भी हमारे साथ अब बस यही मैं आपकी जुबान से यही लफ्ज सुनना चाह रहा था। अब दो ही बातें हैं कि उनका बड़ा कोई नहीं है, उनके बड़े आप हैं, रियासत है, हम बड़े नहीं है, इदारे हैं, आप नहीं हैं इदारे हैं, आप तो बेचारे हमारी तरह भाई हैं। हमारा काम आपका भी है, ये मुल्क आपका भी है, सर आपका ये तो हक है ना कि जिसमें है आप देखें कि पूरे मुल्क के अंदर एक हाइप इंटरनेशनली एक बंदा, मैं आपके बाप को गालियां दूं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे मस्जिदों के मिंबरों पे बैठ के कोई उलमा तकरीरें करते हैं, आप उनके खिलाफ पर्चे क्यों देते हैं? आपने क्यों नहीं कहा कि भाई जिसको गाली दी है वो कोर्ट में चला जाए? वहां पे एकदम अगले दिन आपके आकर पर्चे होते हैं, ये हजरात आकर उनको लिखते हैं दिया डायरी आई, फलाने मौलवी ने फलाने फिरके के खिलाफ बात की। कुछ एक फिरके के खिलाफ बात करो तो उसके खिलाफ इतना एक्शन है। एक आदमी पूरे मुसलमानों की मेजोरिटी को, अक्सरियत को, न वो शिया देख रहा है, न सुन्नी देख रहा है, न देवबंदी देख रहा है, सबको काफिर का मतलब जा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं हम कोर्ट जाए? हम तो आपसे देखिए हमारे भाई हैं, हमारे ये जज्बात आप पहुंचाएं, आपने पहुंचाने हैं, वहां पहुंचाएं, इससे पहले कि मुल्क में ये जो लावा पक रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इस एक अनाउंसमेंट के बाद मुल्क में हालत क्या है। सोशल मीडिया सिर्फ देखें कि अगर 10,000 कमेंट्स हैं ना, तो 9,900 कमेंट्स में ये है कि भाई ये होना चाहिए मुनाजरा, और इस बंदे को जनाब मुनाजरे की बात ही नहीं हो रही। फायसा होते हैं जो करते हैं, उनके रिकॉर्ड पे है, वो उलमा के साथ बैठ के गपशप, आलम दीन आया, गपशप की ऑफर उन्होंने दी, उन्होंने कहा आ जाए, चैलेंज है, गपशप करेंगे, फायसा करेंगे। अब मैं हैरान हूँ कि क्यों नहीं, यानी मैं समझ रहा हूँ कि शायद उन तक पैगाम नहीं पहुंच रहा, हमने तहरीरी शक्ल में क्यों आप गए थे ऊपर? मतलब हम मुल्क में आग लगाते रहे, बैठ के उन्होंने बात नहीं करनी। देखिए मेरी आपसे भी, आप सबसे गुजारिश ये है, आप बैठा दें, हम चाह रहे हैं। देखिए आपके पास तो ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आप हमारे मौलवी को मेंबर से उठाकर लाकर बिठा देते हैं, दो दो दस दस घंटे आप इंजीनियर साहब को और मुफ्ती अनीब कुरैशी साहब को अकेले किसी थाने में, किसी सरकारी दफ्तर में बिठा दें, पुरअमन तरीके से आज बिठा दें, शाम को हम यहीं पर इंतजार कर रहे हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। सुना है कि आपके जो आईजी साहब हैं कदम पर सारा हो रहा है, वीडियो में कहा है कि भाई आईजी साहब से कहें मैं घर में हमें बुला लें। नहीं ना, मैंने तो वो बात की जो आई है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पे तो बात है, बात नहीं क्या करूँगा, सोशल मीडिया पे तो बात है, नाम बेहतर है मेरे, लेकिन ये मैसेज भेज अंदर मैसेज भिजवा देंगे जी, मुफ्ती जी ने मैं ये जो अर्ज करना चाहता हूँ, देखें उनके लोग ये कहते हैं कि जी आप अपना कैमरा बंद करें, हमारे कैमरे चल रहे हैं, ये तो नहीं है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि हम पिंडी से आए हैं और हम तो ये अभी कुछ हजरात हम देख रहे हैं, लोग यहाँ जेलम के फोन है, हमें नहीं पता, हमारे साथ ये चंद वकला है, हम कानूनी लोगों को साथ लेकर आए हैं, फॉलो करेंगे, आइन के खिलाफ कोई बात ना हो। और वो आदमी सर देखें, रोजाना लोग जिस दाता दरबार पे हाजिर होते हैं, आपके वजीराला हाजिर होते हैं, जहाँ से हुकूमत करोड़ों रुपए भी लेती है, उस दाता को शरीयन काफिर कहा जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ने जो गुस्ताखे रसूल ख्वाजा फरीद नवाज को, और फिर इमाम हसन शेख कोई नहीं, अंबिया के हवाले से बातें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं आपसे पांव पकड़ने को तैयार हूँ, अल्लाह रसूल का वास्ता, आप बिठा दें, अकेले में बिठा दें ताकि ये सिलसिला खत्म हो। देखे ना, देखे वो जो कहेंगे आपसे, तो आपको कुछ चाहिए, मेरी नेचर को जानते हैं, बिरला साहब जानते हैं, उनको बोलते हैं कि मैं शरारत नहीं कर रहा, वो तो अलग अंदाज है, वो अलग छोड़े, उनको बात में आए थे, लेकिन हमारे साथ लोग नहीं है, कम चार बंदे आए हैं, आप आगे आपका
ये ठीक है, ठीक है, ये तो हमने उनसे भी बात की है ना, टाइम था 10 बजे का, वो 10 बजे से वो करते हैं हमसे सेटल, आप थोड़ा रेस्ट कर लेते बाकी जो आप वाला मौकफ है वो हम उससे मजीद बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो देखे ना जो उन्होंने चैलेंज किया तो उसे भाग गया, आप तो नहीं ये कहेगा कि मैं कहता रहा हूं, अगर ये आप उन्होंने यही पैगाम दिया कि वो इंकारी है, वो नहीं बैठने को तैयार हुए, ऐसी बात, ऐसी बात नहीं, जवाहर साहब बाद में वो इंकारी हो जाए, वो कहें जी मेरी बात तो नहीं थी जी, वो तो पुलिस अफसर ने वैसे ही कहा। मंजूर साहब को बोला मैं तो इंतजार करता रहा, मुझे बताया ही नहीं, कहेंगे जी पुलिस ने अमन के लिए जनाब तो ये किया, मैं तो इंतजार कर रहा था, चले उन्होंने जो कहा आप बेफिक्र रहे मेरे, मुझे सारे जानते हैं मेरे खाने में रह सब बताएंगे मकसद, आप उससे बात कर लें और बात करके फिर हम जवाब एक्सपेक्ट किया है जो रिएक्शन बैठक मना कर दिए, वो पता नहीं यार इस वक्त तो वो अजीब हाल के डीएसपी साहब आए, मैंने बड़े लोग आए, ये तमाम अहदेदार हैं कि ड्यूटियां हैं जिम्मेदारियां हैं, ये इन सबको किस काम में लगा दिया, ये तो उलमा का काम है ना, आलम दीन आए आप पुलिस वालों को भेज रहे हो, अफसोस की बात, फिर आप कहते हैं जी हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा मैं फिर बताऊं दोस्तों को, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है, ख्वाहिश तो यही के साथ रहते हैं, मुझे हैरान की इस बात हो रही है, पहले से इंकार कर रहे हैं, गरीब के साथी हैं और टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं, जैसे जी आप तो बस फारिगी हैं तो आपसे बात देखना भी नहीं चाह रहे, आप मैंने पकड़ के झंझोड़ के एक बंदे को गया तू हम दोस्त हैं भाई हम आते रहे हैं, ऐसे ही मुल्की साहब भी आ रहे हैं कि नहीं जी आपने तो हमारा डैमेज कर दिया, तो रिवर्स डैमेज होने लगा है, डैमेज तो आप कर रहे थे बकौल आपकी, अब ये रिवर्स डैमेज हो रहा है, रिवर्स डैमेज अब पिंटन हो जाएगा अगर आप इस तरह के सलूक करेंगे, दिल टूटेगा। आप लोगों ने सुनी लिया होगा कि मिर्ज़ा साहब ने बैठने से इनकार कर दिया है और उन्होंने हार मान ली है, वैसे अभी भी कोशिश जारी है कि हम उनके सामने बैठें और उनसे वीडियो पे रिकॉर्ड करवाएं कि वो हार मानते हैं या नहीं, बकौल उनके पुलिस अफसरान के उन्होंने कह दिया है कि भाई उन्होंने हमें कहा है कि मैं नहीं बैठ सकता मैं हार मानता हूँ, अभी यह है कि अभी बैठेंगे, कोशिशें जारी हैं तो पता चल जाएगा। पर जो रिएक्शन उन्होंने दिए वो ठीक नहीं था, हमारे कैमरे उन्होंने बंद करवाए कि नहीं वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन अब अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है हेल्थी पॉजिटिव गुफ्तगू, क्योंकि हम कोई अल्लाह गोशी कोई पीयूष है या इसके लिए फैम के लिए हम नहीं आए, हम आए एक मकसद के लिए, अगर हमें कोई फैम या कोई और चाहिए होता तो मैं कॉल दे के आता, मेरे साथ हजारों लोग होते सैकड़ों गाड़ियां होती, आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है आप तमाम अहबाब अपने अपने उधर चले जाएं, मिर्ज़ा साहब की तरफ से अगर हमें जवाब मिलता है कि भाई वो हमसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, अगर वो पॉजिटिव गुफ्तगू करेंगे
तो हम जैसे हमने इलम पढ़ा है उसके मुताबिक हम उसे करेंगे, दूर उसके मुताबिक, और अगर वो नहीं जवाब देते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो किसी के घर से पकड़ के उसको निकाल के तो बिल्कुल रोड पे नहीं कर सकते। तो ये आप तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ खड़े ना हो, सामने ज़ाहिर है खुद की सलामती के इदारे का मेरे ख्याल ऑफिस है और इंतजामिया भी परेशान है। यानी ये हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए कि हम कोई शरारत कर रहे हैं। अगर आपका मेरे से किसी का ताल्लुक है तो वो मेरी बात को मान लें, और चूंकि मेरे साथ सिर्फ 4-5 लोग आएंगे, आप सारे हज़रात मैं नहीं जानता आपको, तो जो वो चैलेंज उन्होंने किया है हम उसके जवाब के लिए आए, और हमारी ये कोई अचानक बात नहीं है। सारे लोगों को, पूरी दुनिया को पता है कि एक महीने से क्या चल रहा है। जज़ाक अल्लाह। आप जो है ना वो चले, चलो भैया।